कोनिचिवा सुबोध देसु, नमस्ते, मेरा नाम सुबोध है, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग को जापानी भाषा में नंबर्स कैसे लिखते हैं वो बताऊं, ठीक है। नमस्ते, मेरा नाम सुबोध है, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको जापानी भाषा में तो आप लोग मेरे पीछे देख रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स बने हैं, इन्हें कांजी कैरेक्टर्स बोलते हैं। हाँ जी, वही कांजी जो मैंने पहले वीडियो में बताया था कि बहुत डिफिकल्ट होती है। हाँ जी, वो ऐसे दिखते हैं जी। तो ये वही कांजी है जो कि चाइना और जापान दोनों में भी यूज़ होते हैं। अब जो कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, बेसिकली नंबर्स लिखे हुए हैं, उनको हम आज सीखेंगे, ठीक है। आज मैं आप लोग को 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग कैसे करते हैं जापानीज में वो सिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं आज। तो 1 को जापानीज में क्या बोलते हैं? इची। इची, इची को लिखते कैसे हैं देखिए। इची को लिखते कैसे हैं? ऐसे एक स्ट्रोक में, सिंगल स्ट्रोक में हम लोग लाइन खींच देते हैं, उसे क्या बोलते हैं? इची, ठीक है। ये तो सिंपल है, ठीक है। इसको मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, जब मैंने मेरा पहला वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा, मंथ्स, नेम ऑफ मंथ्स इन जापानीज, तो उस पे भी मैंने आप लोगों को बताया था कि इची ही 1 होता है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ लिखा होगा उस समय भी, तो थोड़ा सा याद करिए। अगर याद नहीं आ रहा तो एक बार फिर वीडियो देख लीजिएगा। पर तो इची को कैसे लिखते हैं, 1 को कैसे लिखते हैं? ऐसे कांजी में, ठीक है। 2 को जापानीज में क्या कैसे लिखते हैं? नी, नी। और नी को लिखने का तरीका जैसे हमने 1 बनाया था सेम वैसा ही है, तो देखते हैं कैसा। ऐसा देखिए, 2 स्ट्रोक्स खींचने हैं, पहला ऊपर वाला फिर नीचे वाला, इसको क्या बोलते हैं? नी, माने 2, ठीक है। 3 को जापानीज में कैसे बोलते हैं? सान, सान, सान। और सान को लिखते कैसे हैं? सेम जैसे 1, 2 लिखा, तो गैस करिए 3 कैसे लिखा जाता होगा। देखिए, एक मीडियम स्ट्रोक, उससे छोटा स्ट्रोक और एक बड़ा, थोड़ा सा, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं 1, 2, 3, ठीक। ये तो बड़े इजी लग रहे थे, बट आगे आने वाले जैसे भी जो भी कांजी अब आगे आएंगे वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे, तो उसके लिए तैयार रहिए। 4 को जापानीज में कैसे बोलते हैं? शी, शी। और शी को लिखते कैसे हैं, तो वो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। पहला स्ट्रोक, दूसरा, आधी लाइन नीचे, ठीक है। ऐसे लिखते हैं शी को, ऐसे लिखते हैं शी को, ठीक है। 5 को जापानीज में कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये सब कॉम्प्लिकेटेड कांजी होते जा रहे हैं, ठीक है। तो 5 को जापानीज में हम लोग गो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गो। तो गो को लिखते कैसे हैं, चलिए देखते हैं। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, इसे क्या बोलते हैं? गो। अच्छा, गो को याद करने का सिंपल तरीका है, बहुत इजी है। अगर आपको दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा दूसरा मार्कर ले लेता हूँ, दूसरे मार्कर से आपको देखने में ये आसानी रहेगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से, आपको 5 बनता हुआ नजर आ रहा है, 5 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो आप ऐसे करके कुछ याद कर सकते हैं, पहला स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक, तीसरा और लास्ट वन, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? गो। गो मीन्स फाइव, ठीक है। देखिए, हर एक कांजी कैरेक्टर का लिखने का एक तरीका होता है, माने फर्स्ट स्ट्रोक क्या होगा, सेकंड स्ट्रोक क्या होगा, थर्ड स्ट्रोक क्या होगा। तो आपको हर एक स्ट्रोक पहले, मतलब एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में फॉलो करना होता है, एक के बाद एक करना होता है। अगर आपने ऐसा नहीं है कि ड्राइंग दिखी हुई है वैसा का वैसा डिब्बा बना करके कर दिया तो उसका मतलब सेम होता है, नहीं, स्ट्रोक्स भी मैटर करते हैं। तो इसी वजह से मैं आज आप लोग को ये बना के बता रहा हूँ, ठीक है। तो ज़रूर स्ट्रोक्स ज़रूर एकदम बढ़िया से याद कर लीजिएगा कि पहला कौन सा बनाया था, ठीक है। तो चलें, 6 को जापानीज में कैसे बोलते हैं?
बताइए, नहीं पता? रोकू, रोकू यहाँ लिखा होगा, रोकू, ठीक है। अब देखते हैं कि उसको कांजी में कैसे लिखते हैं, ठीक है? तो मार्क उठा लेता हूँ। चल, कांजी में सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन, एक ऐसा स्ट्रोक, ठीक है? देखे देखे ध्यान से, एक ऊपर फिर ये, एक ऐसा, ओके। इसे क्या लिखते हैं? रोकू। इसे क्या बोलते हैं? रोकू, ठीक है? थोड़ा याद रखिएगा, पहला ये वाला, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है? अच्छा, कुछ कुछ चीज़ों के मतलब कांजी कैरेक्टर्स में आप इजी लर्निंग के तरीके नहीं हैं, तो आपको थोड़ा बहुत अपने दिमाग चलाना होगा इसमें कुछ कैरेक्टर्स, कुछ मतलब आप। तो चलें अब नंबर 7 को जानते हैं। नंबर 7 को जापानीज में हम लोग नाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाना, नाना या शिची। आपको याद होगा कि उस समय भी मंच में मैंने बताया था कि नंबर 7 माने अगस्त के महीने को नाना या शिशी, उस समय बोला था मैंने। तो नाना या शीशी में से कोई भी एक चीज आप यूज कर सकते हैं, ज्यादा बेहतर होगा कि आप नाना यूज करें, ठीक है, नंबर्स के लिए, ठीक है? तो नाना को कैसे लिखते हैं? अच्छा, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, हाँ, क्योंकि ये बहुत सिंपल है। अगर आप ध्यान से देखें तो देखें, पहले एक जे बनाना है ऐसा, और एक स्ट्रोक, देखें एक जे और एक स्ट्रोक। और अगर आपको थोड़ा सा ध्यान देके अगर आप देख रहे होंगे इसको, तो ये आपको उल्टा 7 भी दिख रहा होगा। हाँ जी, 7 लिखा हुआ उल्टा है ना, ठीक है? तो अब बढ़ते हैं नंबर 8 की ओर। नंबर 8 को बोलते हैं हाची। क्या बोलते हैं? हाची, ठीक है? और हाची को लिखते कैसे, चलिए देखते हैं। बहुत सिंपल है, पहला स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक, थोड़ा सा अच्छा नहीं, दूसरा स्ट्रोक, सॉरी, दोबारा बना देता हूं, ठीक है? कैसे लिखते हैं? हाची, दो स्ट्रोक, एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, ठीक है? तो अब बढ़ते हैं नंबर 9 की ओर। नंबर 9 को क्या बोलते हैं? कू। क्या बोलते हैं? कू। और कू को लिखते कैसे हैं? देखते हैं। सबसे पहले एक लाइन, फिर एक छोटी सी ऐसा स्ट्रोक नीचे, ठीक है? कू। क्या बोलते हैं इसको? कू। कू मींस नौ, 9, ठीक है? नंबर 10 को जापानीज में क्या बोलते हैं? जू। क्या बोलते हैं? जू, ठीक है? जू को लिखते कैसे हैं? ये सबसे सिंपल है, हाँ, देखिए जू को लिखते समय बस आपको, हाँ ये, अब ये कह रहे होंगे कि ये प्लस का साइन है, भाई प्लस नहीं है, ये जू है, मीन्स 10, ओके, इट्स 10 जू, ठीक है? ये प्लस नहीं है, इसको क्या बोलते हैं जापानीज में? जू मीन्स 10, ओके। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि 1 से लेकर के 10 तक कैसे जापानीज में बोलते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि 11 से लेकर के 19 तक कैसे बोलते हैं, ठीक है? तो इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक फॉर्मूला बना दिया है, जो कि पीछे आप देख सकते हैं, 10 प्लस एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है, और जू प्लस, जू माने 10 प्लस फिर ब्रैकेट। तो बेसिकली ये क्या है, तो अब 10th के बाद में जो भी काउंटिंग करते हैं उसमें हम लोग जू प्लस जो भी नंबर है वो बोल देते हैं। जैसे 10 प्लस 1 इज 11, तो क्या कैसे बोलेंगे? जैसे 10 प्लस 1 इज 11, तो 1 को हम लोग जापानीज में क्या बोलते हैं? इची। तो 10 प्लस 1 इज 11, 11 को जापानीज में बोलते हैं जू इची, जू इची, जू इची। क्या बोलते हैं? जू इची, ठीक है? ठीक है, तो चलें एक और एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 12 का, 12 को, 12 को जापानीज में कैसे बोलते हैं? तो 12 होता है 10 प्लस 2, 10 मींस जू और 2 मींस नी, तो जू नी, जू नी, जू नी मींस 12, ठीक है? फाइनल एग्जांपल लेते हैं जापानीज में 19, ठीक है? तो 19 होता है 10 प्लस 9, 10 मींस जू और 9, 9 को क्या बोलते हैं? बोलिए बोलिए, 9 को क्या बोलते हैं? हाँ जी बताइए, 9 को क्या बोलते हैं बताइए? आपसे पूछ रहा हूँ भाई, आपसे, आपसे बताइए, नहीं बता कोई। 9 को बोलते हैं कू, कू ऐसा नहीं बता, कू, ठीक है? तो जू कू, जू कू, क्या बोलते हैं? जू कू, जू कू, ठीक है? जू कू, ठीक। तो अभी हम लोगों ने देखा कि 11 तक, 11 से लेकर के 19 तक काउंटिंग कैसे करते हैं, ठीक है?
ठीक है। अब 11 से लेकर के 19 तक का जो फॉर्मेट मैंने बताया था आप लोगों को, सेम वैसे ही फॉर्मेट आगे भी फॉलो होता है। तो 20 को हम लोग बेसिकली 20 के आगे जो फॉर्मेट फॉलो होता है वो आपको यहाँ कहीं स्क्रीन पे दिखेगा, ठीक है। आप देखें सामने एक ब्रैकेट बना होगा, फिर क्या होगा जू, फिर ब्रैकेट बना होगा। तो जो सामने जो ब्रैकेट बना है उसमें हम लोग कोई भी नंबर डाल सकते हैं, जैसे उसका मतलब सेंटेंस जो स्ट्रक्चर जो मैंने सोचा है ये अपनी थिंकिंग है। तो एक फॉर्मेट मैंने फॉर्मूला भी बनाया नीचे, जैसे कोई नंबर मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस कोई नंबर, ठीक है। मींस जैसे अगर वो 21 लिखना है तो 21 कैसा होगा, 2 इंटू 10 प्लस 1, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट में क्या आया 2, 2 मींस नी, ठीक है नी। अब इंटू 10, 10 मींस चू, तो नी चू, नी जू। और प्लस एनी ब्रैकेट मींस 1 है, 21 बोला मैंने तो 1 है, तो 1 को क्या बोलते हैं इची, तो नीजू इची, नीजू इची मींस 21, नीजू इची मींस 21। तो ऐसे ही सपोज एक रैंडमली एक नंबर पकड़ते हैं, जैसे सपोज कर लेते हैं 43, तो 4 इंटू 10 प्लस 3, तो 4 माने शी जू, 3 को क्या बोलते हैं जल्दी जल्दी बताएं सान, तो क्या बोलेंगे शी जू सान, शी जू सान मीन्स 43, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे कि ये जैपनीज में नंबर्स मतलब सीखना बहुत इजी है, बहुत इजी। तो अगर आपको 1 से लेकर के 10 तक की काउंटिंग आती है तो आप 1 से लेकर के 99 तक आराम से बोल लेंगे। हाँ जी, 99 के बाद में आता है 100, 100 को कैसे बोलते हैं वो सीख लेते हैं, ठीक है। तो 100 को बेसिकली जैपनीज में हायाकू बोलते हैं, क्या बोलते हैं हायाकू, हायाकू, ठीक है हायाकू। ऐसा थोड़ा फास्ट में अगर बोलेंगे हायाकू, हायाकू कौन है तू, हायाकू, हायाकू, ठीक है। तो हायाकू का कैसे बोलते हैं, ये बेसिकली थोड़ा बहुत अभी लालटेन जैसा दिखता है, मैं आपको बना के बताता हूँ, ठीक है। एक टडा बोर्ड आ गया, हाँ जी थोड़ा गायब हो गया था ना तो अब बना के बताते हैं भाई कैसे बनता है आपका हायाकू मीन्स 100। तो 100 को जैपनीज में हम लोग ऐसे नहीं लिखते, ऐसा लिखते हैं ठीक है, कैसे लिखते हैं ऐसे लिखते हैं। आप कह रहे होंगे ये तो लालटेन जैसा कुछ दिख रहा है, ऐसा लालटेन कंदील वगैरह होता है ना, लालटेन पुराने जमाने में होता था वैसे टाइप का दिखता है, तो उसको उस हिसाब से याद कर सकते हैं 100। और बेसिकली अगर आप थोड़े से क्रिएटिव हैं, थोड़े से क्या है क्रिएटिव हैं, और आपका दिमाग ज़्यादा मतलब आर्टिस्टिक दुनिया में चलता है, तो आप इसमें एक क्लू खोज सकते हैं इसको याद करने का। हाँ जी बहुत सिंपल है, अगर आप लोगों ने अभी तक पकड़ा है तो बहुत अच्छी बात, जिन्होंने पकड़ा उनको कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि उनको पता चल गया था कि कैसे लिखते हैं। और अगर नहीं पकड़ा तो मैं बता देता हूं कि 100 को याद करने का सबसे ईजी तरीका क्या है। देखिए अगर यहां पे आप ध्यान से देख सकते हैं तो ये 1 दिख रहा है ऐसा, ये क्या दिख रहा है 0 दिख रहा है, 10 ये दिख रहा है। मीन्स अगर आपको बना के बता दूं तो देख सकते हैं 100 100 100 100 100, ठीक है। तो आप अगर पकड़ पाए तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं पकड़ पाए आप क्रिएटिव नहीं है कोई बात नहीं, हम मैंने बता दिया कैसे याद करना है, ठीक है। बस इसको बनाने का तरीका ऐसा है, कैसा ऐसा स्ट्रेट, ऐसा नहीं बनाना, ऐसा नहीं बनाना, कैसे बनाना है ऐसे बनाना, ठीक है ठीक है। जैपनीज भाषा में नंबर 4 बहुत ही अनलकी माना जाता है, क्यों, क्योंकि उसका प्रोनंसिएशन शी होता है। जी हाँ, शी जिसका दूसरा मतलब होता है मौत, क्या होता है मौत, डेथ, क्या होता है डेथ। तो नंबर 4 जापानीज में बहुत ही अनलकी माना जाता है, और ज़्यादातर जगह अगर आप जापान में विजिट करेंगे तो आप अगर देखेंगे कि लॉकर रूम्स वगैरह होते हैं, तो ज़्यादातर लॉकर रूम्स जो होते हैं उनमें लॉकर नंबर 4 गायब होता है, माने नंबर 4 वहाँ पर रहता ही नहीं है। जी हाँ, यहाँ तक कि जब जापान में जो भी रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, जहाँ पे नंबर्स होते हैं, रूम के नंबर्स लिखे होते हैं, वहाँ 4 नंबर गायब कर दिया जाता है। जी हाँ, इतना ज़्यादा अनलकी मानते हैं वो लोग। तो ये थे 1 से लेकर के 100 तक जापानीज में नंबर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और हाँ ज़रूर मुझे लिख के बताएं कि आप लोग को क्या जानना है जापानीज में, ठीक है। और हाँ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर दें, ठीक है।
और यहाँ कहीं अगर बटन दिख रहा होगा तो उसको क्लिक करें, मेरा चैनल विजिट करें, ज़रूर देखें, कई और वीडियोज़ भी हैं। अगर कोई पहली बार देख रहा है तो प्लीज़ वो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? तो कल फिर मिलते हैं, मटने, बाय बाय।